राजस्थान के भरतपुर से 50 किलोमीटर दूर बसा है गांव नैवाड़ा। जिला भरतपुर के तहत ही ग्राम पंचायत नैवाड़ा की अगुवाई में यह गांव अपनी ही धुन में आगे कदम बढ़ा रहा है, सफलता के गीत गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ। ये कहानी है नैवाड़ा गांव की बेरंगत धरती पर उगने वाले हरे भरे बागीचे की, बंजर धरती पर बारिश के पानी को सहेजने की। नैवाड़ा ग्राम पंचायत ने यहाँ के लोगों की हालत और हालात दोनों को बदल कर रख दिया है। आज ग्राम पंचायत नैवाड़ा को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। मगर खुशहाल दिखने वाला ये गांव हमेशा ऐसा नहीं था। बंजर जमीन की तरह ही यहाँ के लोगों की जिंदगियों में भी उम्मीद का कोई अंकुर नहीं फूट रहा था। गांव के अधिकतर लोग पशुओं को चराते हैं और यही एक मुश्किल भी थी। जमीन रेतीली होने की वजह से पशुओं को चराने के मैदान नहीं थे। पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब भी नहीं था। रेतीली जमीन पर कुछ भी उगाना चुनौती जैसा था। बादल बारिश नहीं लाते थे और जमीन में पानी का स्तर बहुत नीचे था। जमीन बंजर होने की वजह से गांव के लोग खेती करना ही छोड़ चुके थे। लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत दूर लगी फैक्ट्रियों और ईंट भट्टों पर काम करने के लिए जाना पड़ता था। बचपन स्कूल में कम और पशुओं के लिए चारे की तलाश में अधिक रहता था। ग्राम पंचायत नैवाड़ा अपनी सब मुश्किलों को समझती थी। यहाँ के लोग रोज बरोज इन तकलीफों को झेल रहे थे। लोगों को इन समस्याओं से छुटकारा दिलाना बहुत जरूरी था। ग्राम पंचायत की पहलकदमी पर ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई, बातचीत की गई। लोगों की आमदनी बहुत कम थी, इसलिए टैक्स इकट्ठा नहीं किया जा सकता था। ग्रामवासी कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं थे। पंचायत को पैसे की जरूरत थी। सरकारी सहायता ही अब आखिरी उम्मीद थी। किसी भी तरह की सरकारी मदद ही अब गांव नैवाड़ा की तकदीर बदल सकती थी। ग्राम पंचायत को चारागाह विकास एवं पंचपाल योजना के लिए महात्मा गांधी एनआरईजीएस के तहत 14 लाख रुपए मिले। अब समय था सपने को हकीकत में बदलने का। ग्राम पंचायत पैसे को सीधे विकास कार्यों में खर्च न करके किसी ऐसे काम में लगाना चाहती थी जिससे पंचायत को हर साल कुछ न कुछ आय हो सके, ताकि कुछ लोगों को रोजगार देने के साथ साथ पंचायत गांव का विकास कर सके। पंचायत ने उन्हें फिर से खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए बंजर जमीन पर सही ढंग से सिंचाई करने एवं जमीन को उपजाऊ बनाने के तरीके बताए। ग्राम पंचायत ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर उस पर फलदार पेड़ लगाने की योजना बनाई। पंचायत की अगुवाई में गांव वालों ने मिलकर जमीन को समतल किया, जमीन पर उगी हुई जंगली घास को साफ किया। यहां पर ऐसे पेड़ पौधे लगाए जिन्हें कम पानी की मदद से उगाया जा सकता था। इन पौधों की देखरेख के लिए कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया था। कुछ ही समय में देखते ही देखते पेड़ फलों से लद गए। फल बेचकर पंचायत को सालाना 50,000 रुपए की आय हुई, जिसे पंचायत ने गांव के विकास में लगाया। ग्राम विकास के लिए अधिक पैसे की जरूरत के चलते ग्राम पंचायत ने फलों के बाग का एक हिस्सा नीलामी का आयोजन कर सबसे अधिक पैसे की बोली लगाने वाले को कुछ सालों के लिए लीज पर दे दिया है। अब फलों को बेचकर एवं लीज पर दिए गए बागीचे से ग्राम पंचायत नैवाड़ा लगभग 3 लाख रुपए की सालाना आय करती है।
जो भी ये स्कीम है अपनी मनरेगा वाली, इसके द्वारा यहाँ पर पंचफल लगाया गया और उसको लीज पर उठाया गया। उससे जो भी आमदनी हुई इसके उसके द्वारा एक तालाब बनाया गया, जिससे क्या है उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता और यहाँ पर जो भूमि है वो अनुपजाऊ थी और उस पानी के द्वारा उसे उपजाऊ बनाया गया। हमने भी उसमें काफ़ी प्रयास किया जिससे कि हम सभी को काफ़ी लाभ हुआ, हमें रोजगार भी यहाँ पर इस पंचफल के द्वारा मिला है। आज नैवाड़ा गाँव में पानी की समस्या को भी ग्राम पंचायत ने सुलझा लिया है। पंचायत ने गांव वालों को साथ लेकर जमीन खोदकर एक तालाब बनाया है जिसमें बारिश का पानी पूरे साल जमा रहता है। साथ ही इस पानी को खेतों एवं फलदार पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। पशुओं को पानी की तलाश में इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। हमारे टाइम के जो लोग थे वो काफी खेती में परेशान रहते थे। आज खेती उपजाऊ होने के कारण, बढ़िया ट्यूबवेल पानी होने के कारण आज जो हमारे बच्चे हैं वो आसानी से अपनी खेती कर लेते हैं। अब भी जरूरत पड़ने पर पंचायत मेंबर यानी पंच ग्रामवासियों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। गांव के लोगों ने भी इस बात से हौसला लेते हुए खेती बाड़ी शुरू कर दी है। अब खेत मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह से फलदार पेड़ों का बाग लगाकर ग्राम पंचायत नैवाड़ा अब धीरे धीरे OSR यानी स्वयं स्रोत आय की तरफ बढ़ रही है। ग्राम पंचायत हर सप्ताह अपने पंचों की मीटिंग करती है। समय समय पर ग्राम सभा का आयोजन भी किया जाता है। पंचायत द्वारा किए गए कार्यों की वजह से ग्रामवासी अब ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस पैसे को पंचायत अन्य ग्राम विकास कार्यों, विशेष तौर पर खेती और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। पंचायत अपने पैसे से स्कूल के रखरखाव का काम भी करती है। जो बच्चे पहले अपने पशुओं के लिए चारे की तलाश में रहते थे और स्कूल नहीं जा पाते थे, वो अब स्कूल जा रहे हैं। ये सब ग्राम पंचायत के प्रयासों से ही संभव हुआ है, क्योंकि पंचायत ये अच्छी तरह से समझती है कि इन बच्चों को शिक्षित करके ही भविष्य की जमीन तैयार की जा सकती है। ग्राम पंचायत नैवाड़ा ने बागीचे, स्कूल, तालाब और खेती जैसी सफल कोशिशें करके खुद को साबित कर दिखाया है। ग्राम पंचायत नैवाड़ा का छोटा सा प्रयास रंग ला रहा है।